हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना बच्चों। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर आप आज ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना था, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं इसको इस मेथड में पढ़ाऊँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है। हमने काफी सारे कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट फिगर हमने पढ़ा था, ट्रायंगल का पढ़ा, जो ट्रायंगल का तो नहीं पढ़ा था, ट्रायंगल आज स्टार्ट करेंगे। हमने स्क्वायर का पढ़ा, रेक्टेंगल का पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स का हमने समझा था कि कॉन्ग्रेंस किसे कहते हैं। जब उसको वो सुपरपोज कर लेगा तब उसको बोलेंगे, उस फिगर को हम बोलते थे कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल में भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट का बोलेंगे जब ये ट्रायंगल PQR सुपरपोज हो जाएगा किसके ऊपर, ट्रायंगल ABC के ऊपर। जब ये ट्रायंगल ABC या फिर कोई किसके ऊपर सुपर, ये उसके ऊपर सुपर हो, सुपरपोज हो, या फिर ट्रायंगल ABC इसके ऊपर सुपरपोज हो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं PQR ट्रायंगल को उठा के इस पे रख दूं, किस पे, ट्रायंगल ABC पे, तो ये फिगर कुछ इस तरह दिखेगा। किस तरह, इस तरह। देखो ये फिगर कुछ इस तरह दिखेगा। जब मैं ट्रायंगल PQR को उठा के इस पर रख दूं तो कुछ ये फिगर इस तरह दिखेगा। हमको मतलब ये ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, देखो इसलिए यहाँ पर दो वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आपको समझने में जो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैं आपको अच्छी तरह और भी क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर, इसलिए मैं आज को आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इस तरह समझ पाओ। देखो यहाँ पर जो आपको बुक में जो ट्रायंगल ABC गिवन है, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया, देखो एक कटिंग कर लिया ट्रायंगल ABC का, देखो ठीक है। उसी तरह क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप समझो सुपरपोज कैसे हो रहा है। देखो आपके बुक में जो ट्रायंगल यहाँ पर ABC गिवन था, मैंने वैसे एक कटिंग कर लिया ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर जो PQR एक ट्रायंगल यहाँ पर जो गिवन है उसको मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऊपर सुपरपोज करता हूँ। देखो मैं ट्रायंगल PQR को उठाया और ट्रायंगल ABC को ऊपर रख दिया, देखो ऐसे मैंने रख दिया। तो रखने के बाद देखो क्या हुआ, देखो ए जहाँ पर है, ए की जगह पर क्या है, पी है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, सी की जगह पर यहाँ पर आर है, यहाँ पर देखो बी की जगह यहाँ पर क्यू है, तो ये जो फिगर है वो ऐसे ही दिया। बहुत बच्चे ये फिगर देख कन्फ्यूज हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस ये कुछ नहीं, बस वो दिखाने की कोशिश किया है कि ट्रायंगल PQR ABC ट्रायंगल के ऊपर ऐसे कवर करके रखा हुआ है, बस ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पर दो बटे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, AP, देखो यहाँ पर AP हुआ नहीं, तो P ने, देखो P ने क्या किया था, A को कवर कर लिया था, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअली इस पॉइंट पे दो वर्टिसेस हैं A और P। यहाँ पर देखो C और R, यहाँ पर देखो CRR लिखा हुआ है, ठीक है आपको बुक में देखो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर B, यहाँ पर Q, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल PQR और यहाँ पर ट्रायंगल ABC दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट, क्यों ना ये उसको कवर कर ले, सुपरपोज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आज हम समझने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम समझने वाला वो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब यहाँ पर दो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझाने के लिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, मैं आपको अभी यहीं पर बता दूंगा, आप अच्छे से समझोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको पढ़ाने की आज ट्राई किया है ताकि आप जल्दी से मैं आपको समझा पाऊँ, ईजिली समझा पाऊँ और क्लियरली। देखो यहाँ पर सबसे ईजी सवाल है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसे कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। देखो ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी, यहाँ पर ध्यान से चीज को देखो। जब मैंने ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल ABC पे सुपरपोज किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो साइड है हमारा PQ, साइड PQ किसके ऊपर लाई कर रहा था, कहने का मतलब साइड यहाँ पर जो पी, मैं इसको ऐसे कर अलग कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल ABC इधर नीचे मैं अपने हाथ में लिया हूँ ट्रायंगल PQR को, जब मैं ट्रायंगल PQR को इस पे रखूंगा तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो ट्रायंगल PQR जो है इसका जो साइड है PQ, तो PQ किसको 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 कवर कर रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल PQR का जो PQ साइड है, ध्यान समझना, ये जो ट्रायंगल PQR, ये जो ट्रायंगल PQR है हमारा, इसका जो साइड है हमारा PQ, ये जो PQ साइड बच्चों वो ट्रायंगल ABC के कौन से साइड को कवर कर रहा है, बताओ मुझे, आप बता सकते हो। देखो ध्यान से, PQ साइड ट्रायंगल ABC के कौन से साइड को कवर कर रहा है, देखो मैं कवर कर रहा हूँ, देखो कॉर्स मैं सुपरपोज कर रहा हूँ, देखो ऐसे, तो आपको ये बोल देगा कि सर PQ साइड ट्रायंगल ABC के AB साइड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसका मतलब PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं क्या बच्चों PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB ना होके क्या AC हो सकता है, तब बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जब मैं सुपरपोज कर रहा हूँ तो PQ साइड AB को कवर कर रहा है, ना कि AC को कवर कर रहा है, देखो कहाँ कर रहा है, PQ साइड किसको कवर कर रहा है, AB को कवर कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ PQ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AC होगा तो आप मानोगे, नहीं मानोगे। अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल PQR
PQR का जो PQ साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा AC, तो आप मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि PQ साइड AC साइड को कवर नहीं कर रहा है, वो किसको कवर कर रहा है, AB साइड को कवर कर रहा है, इसलिए PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB होगा, समझ में आ रहा है। उसी तरह सबका निकाल दो आप, अगर हम पूछू PR साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा तो आप बोलोगे सर AC होगा, अगर मैं पूछू QR साइड है यहाँ पर जो ना QR साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, आप बोलोगे BC। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप मैं इसको इस तरह देख लो, ठीक है, मैं और बार समझाता हूँ। देखो आपको अगर मैं फिगर इस तरह दिया होगा, आपके बुक में फिगर इस तरह ही गिवन किया होगा, पूछेगा कि PQ साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आप बोलोगे AB, पूछेगा QR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आप बोलोगे BC, आप बोलोगे PR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, आप बोलोगे AC, कोई पूछेगा कि PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB क्यों होगा, कोई आपसे सवाल कर दिया कि PQ साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB ही क्यों होगा, आप उसको बोल देना जो आपसे पूछेगा सवाल, बोलना कि PQ साइड किसको कवर, PQ क्योंकि यहाँ पर PQ जो साइड है वो AB साइड को यहाँ पर कवर कर रहा है, जब हम इसको सुपरपोज करते हैं तो ये PQ साइड AB को कवर करता है, इसलिए PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो AB होगा। उसी तरह इसका देखो PR का AC हो क्योंकि इसको कवर कर रहे हैं, और BC का QR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा BC आपका क्योंकि ये इसको कवर कर रहा है, तभी ना ये कॉन्ग्रेंट होगा, सुपरपोज हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा कितना ट्राइंगल है, ऐसे करूंगा तो आपको लगेगा दो ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा यहाँ तक हमने बात की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में, अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो सिंपल उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल जो पी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो आप बोलोगे सर ये क्योंकि एंगल पी ए को कवर कर रहा है, एंगल ए को कवर कर रहा है। देखो यहाँ पर जब मैं इसको सुपरपोज करता हूँ तो एंगल पी किसको कवर कर रहा है, एंगल पी कवर कर रहा है किसको, एंगल ए को। उसी तरह एंगल आर कर रहा है एंगल सी को, और एंगल क्यू कर रहा है एंगल बी को। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं पूछूं एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, आप बोलोगे एंगल ए। अगर मैं पूछूं एंगल क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बी बोलोगे। अगर एंगल आर का पूछो तो आप बोलोगे सी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और एक बात यहाँ पर आता है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं कि देखो नहीं एंगल जो पी है उस एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा, तो आप मानोगे नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, आप बोलोगे सर एंगल पी तो सी ए को कवर कर रहा है ना, वो थोड़ी ना सी को कवर कर रहा है, तो एंगल पी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ए। आई थिंक सब बच्चे समझ गए, ओके तो समझ में आ रहा है, पी का ए, क्यू का बी और आर का सी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया, बस मुझे ये समझाना था आपसे। चलो अब यहाँ पर डेफिनेशन के आपके बुक में जो डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर यहाँ पर क्या लिखा है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, ऐसा नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने चाहिए और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों सब इक्वल होने चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी इसके, जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है PQ, तो PQ भी सेम मेजरमेंट का होना चाहिए, ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा। अगर सपोज AB का अगर ये 5 है, PQ 5 होता, ये 5 नहीं होता, तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होना चाहिए। पहले आप देखना कि एंगल ए, देखा एंगल ए दिया गया है, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तब देखना दोनों सेम मेजरमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चलने के बाद आप क्या करोगे, देखना वो सेम मेजरमेंट के हैं कि नहीं, सेम मेजरमेंट के होंगे तभी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होने, मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में ये कंडीशन होने चाहिए, सब इक्वल लेंथ के होने चाहिए, सब इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ ना देखो बुक में, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट तभी बोलेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो, मतलब इक्वल हो। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों के यहाँ पर समझ में आ गया है बेहतर तरीके से। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है आपका नीट बुक में, यहाँ पर जो डिस्कशन यहाँ पर गिवन किया मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। जैसे हमें पता चल गया कि ABC कॉरस्पॉन्डिंग है किसके साथ ना, PQR के साथ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ए जो ए का है क्या था, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ए के साथ क्या था, ए का था पी, बी का था क्यू और सी का था आर। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बुक में लिखा हुआ है आपका, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए का क्या था पी, यहाँ पे कॉमा देते हैं, बी का क्या था, बी का था आपका क्यू, और फिर यहाँ पर सी का क्या था, आर था। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ABC इसके किसके बराबर है, PQR। ठीक है, अच्छा ये 3 है, ये भी 3 लेटर है, देखो तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, जब 3 होता है तो कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, 6 पॉसिबिलिटी बनते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है, पढ़ोगे 11th 12th क्लास में, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1, इसका मतलब होता है 6। ठीक है, अच्छा
जैसे मतलब छह पॉसिबिलिटी बनेंगे, तीन है तो छह पॉसिबिलिटी बनेंगे, याद रखो तीन है तो छह पॉसिबिलिटी बनेंगे, ठीक है। तो यहीं पर छह पॉसिबिलिटी आपके बुक में यहाँ पर गिवन है, देख लो, ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पर गिवन है, समझ में आ रहा है। पॉसिबिलिटी मतलब देखो ऐसे सब आपको बुक में दिखाया, तो आपको यहाँ आपको बुक में लिखा हुआ ए बी सी, तो इसके क्या होंगे, एक तो पी क्यूर हो गया पहला पॉसिबिलिटी, आप ए बी सी को कॉन्स्टेंट रखो और इसको चेंज करते जाओ, पी क्यूर हो गया तो पहले यहाँ पर पी आगे था, अब पी को चेंज कर दो, सपोज आपको बुक में ऐसे लिखा है यहाँ पर पी क्यू को चेंज, यहाँ पर क्यू बीच में क्यू को आगे ले आओ, तो इस तरह करके यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, ये ए बी सी को हमेशा इक्वल रखो, आपको बुक में लिखा हुआ आप देख लेना कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। पहले आप देखो यहाँ क्यू पहले यहाँ पर बीच में था, फिर आ गया, फिर लास्ट में आ गया, तो क्यों का हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज किया, उसी तरह हर एक का पोजीशन चेंज करो तो आपको छह पॉसिबिलिटी मिलेंगे। तो ये छह पॉसिबिलिटी से देखो छह पॉसिबिलिटी क्या बने हैं यहाँ पर वो बताया है आपको बुक में, देखो देखो आपको बुक में यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ जगह जगह, देखो यहाँ पर देखो छह पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छह पॉसिबिलिटी कोई भी एक पॉसिबिलिटी का मैच हो रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर मैचिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब समझाता हूँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके मैचिंग पार्ट्स, जो मैं आपको दिखाया छह मैचिंग पार्ट्स जो आपको दिखाया, छह मैचिंग पार्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ऐसा नहीं कहा कोई अलग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के बारे में बोल रहे हैं, आर इक्वल, वो इक्वल को होने चाहिए, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये होने ही चाहिए, इक्वल होंगे ही होंगे। एंड इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दो ट्रायंगल का इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका उल्टा। और एक बार समझाता हूँ, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनके मैचिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, फिर से उल्टा दिया है, उसका उल्टा पूछा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर दो ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दे के बोला है कि मैचिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यहाँ पर मैचिंग पार्ट्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिया है यहाँ पर, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आ रहा उल्टा। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका पढ़ाई, और एक दो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंडीशन कुछ बताऊंगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं वहाँ पर कंडीशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कंडीशन देखना बहुत जरूरी है, कंडीशन आप ध्यान से देखना, कंडीशन होने के बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छी तरह मैं आपको अच्छी तरह बुक आपको सब अच्छी तरह मैं आपको पढ़ा दूँ, ताकि कोई यहाँ पर टेंशन नहीं होगा। यहाँ पर टोटल चार कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही नेक्स्ट वीडियो में सारे कंडीशन में आपको बता दूंगा, नहीं, आपके बुक में जैसे लिखा है उसी मैं लाइन वाइज जाना चाहता हूँ। तो पहला, कल जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम पढ़ेंगे पहला कंडीशन के बारे में, पहला कंडीशन के ऊपर एक आपका वर्कशीट है उसको खत्म करेंगे, फिर दूसरा कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर एक वर्कशीट है, ऐसा ही आपको बुक में गिवन है, उसी आपके बुक वाइज में ही हम चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि चारों कंडीशन मैं आपको कल ही बता दूंगा, नहीं, ठीक है। तो वर्कशीट वन में जो कंडीशन चाहिए मैं आपको वो कंडीशन बताऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा कंडीशन, ओके बच्चों। मतलब सारी कंडीशन यहाँ पर गिवन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, और थोड़ा सा बाकी कंडीशन एक बार समझा दूं। मुझे आज जो समझाना था वो था आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, बहुत बच्चों का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में दिक्कत होता है, ठीक है। ये तो कंडीशन बहुत तेजी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो समझ लेगा तो ये भी समझ लेगा, ओके। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।